नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। 114 टन गेहूं की पैदावार का लक्ष्य, 112 मिलियन टन रही पिछले साल। और अदानी ग्रुप 10 गीगावाट तक बढ़ाएगा सौर ऊर्जा क्षमता, मौजूदा सौर विनिर्माण क्षमता 4 गीगावाट। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। अदानी समूह ऊर्जा बदलाव यानी हरित ऊर्जा कारोबार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2027 तक 10 गीगावाट की एकीकृत सौर विनिर्माण क्षमता स्थापित करने में जुटा हुआ है। कंपनी से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है। अदानी समूह की मौजूदा सौर विनिर्माण क्षमता 4 गीगावाट की है। समूह की सौर ऊर्जा विनिर्माण इकाई अदानी सोलर से जुड़े सूत्रों ने कहा कि कंपनी को अगले 15 महीनों में 3000 मेगावाट से अधिक क्षमता के निर्यात ऑर्डर मिले हुए हैं। हाल ही में कंपनी ने बार्कलेज और डॉयचे बैंक से 29.4 करोड़ डॉलर जुटा है। सौर ऊर्जा उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले सौर पैनल के विनिर्माण से जुड़ी अदानी सोलर का गठन वर्ष 2015 में किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबीसी न्यूज। देश में चाय का उत्पादन इस साल अगस्त में करीब 4% घटकर 17.79 करोड़ किलोग्राम पर आ गया है, जबकि अगस्त 2022 में चाय का उत्पादन 18.54 करोड़ किलोग्राम से अधिक रहा था। चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार उत्तर भारत मुख्य रूप से असम और पश्चिम बंगाल में चाय का उत्पादन घटकर 15.80 करोड़ किलोग्राम रह गया, जो अगस्त 2022 में 17.09 करोड़ किलोग्राम से कुछ अधिक रहा था। असम में चाय का उत्पादन 10.98 करोड़ किलोग्राम से घटकर 9.97 करोड़ किलोग्राम पर आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबीसी न्यूज। देश के वैज्ञानिक एक बार फिर नए लक्ष्य के साथ गेहूं की पैदावार बढ़ाने में जुट गए हैं। पिछले साल का लक्ष्य 112 मिलियन टन हासिल करने के बाद अब केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 के लिए देश की गेहूं पैदावार का नया लक्ष्य 114 मिलियन टन निर्धारित किया है। इसका खुलासा करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक एवं सचिव डेयर ने कहा कि हमें नई तकनीक, नई किस्मों के बीज किसानों तक पहुंचाकर उन्हें जागरूक कर नए लक्ष्य को पाना है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में करनाल स्थित सभी अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों, वैज्ञानिक और देश के कृषि अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों ने पैदावार बढ़ाने का मंथन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबीसी न्यूज। निवेश कंपनी आईकेस इंटरप्राइजेस ने वीआरट्रिस के औषधियों के लिए मुख्य कच्चा माल API यानी रसायन बनाने के कारोबार का अधिग्रहण करने की घोषणा की। कंपनी ने हालांकि सौदे की राशि का खुलासा नहीं किया है। आईक्वेस इंटरप्राइजेस ने सोमवार को बयान में कहा कि निवेश कंपनी ने भारत में प्रमुख दवा कंपनी वियाट्रिस के औषधियों में उपयोग होने वाले प्रमुख रसायन कारोबार का अधिग्रहण करने के लिए पक्का समझौता किया है। वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली में आईक्वेस तरजीही निवेशक के रूप में उभरी है। सौदे के तहत कंपनी औषधि रसायन बनाने वाले 6 विनिर्माण संयंत्रों का अधिग्रहण करेगी। इसमें 3 संयंत्र विशाखापट्टनम और 3 हैदराबाद में हैं। इसके अलावा कंपनी हैदराबाद में स्थित शोध एवं विकास इकाई का भी अधिग्रहण करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबीसी न्यूज। मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सएप ने सूचना प्रौद्योगिकी IT नियमों के तहत अगस्त में 74 लाख खातों पर रोक लगाई है। संदेश मंच की भारत पर जारी ताजा रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। व्हाट्सएप ने सोमवार को कहा कि इनमें से 35 लाख खातों पर उसने खुद पहल करते हुए प्रतिबंध लगाया है। इन खातों पर उपयोगकर्ता की ओर से कोई शिकायत मिलने से पहले ही उन्हें बंद कर दिया गया। व्हाट्सएप की प्रयोगकर्ता सुरक्षा रिपोर्ट में लोगों की ओर से मिली शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है। कंपनी ने कहा कि 1 अगस्त से 31 अगस्त के दौरान कुल 74,20,748 व्हाट्सएप खातों पर रोक लगाई गई। इनमें से 35,06,905 खातों पर रोक प्रयोगकर्ता की ओर से कोई शिकायत मिलने से पहले लगाई गई है। व्हाट्सएप पर भारतीय खाते की पहचान +91 फोन नंबर से होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबीसी न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 114 टन गेहूं की पैदावार का लक्ष्य, 112 मिलियन टन रही पिछले साल। और अदानी ग्रुप 10 गीगावाट तक बढ़ाएगा सौर ऊर्जा क्षमता, मौजूदा सौर विनिर्माण क्षमता 4 गीगावाट। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए इन बिजनेस न्यूज। नमस्कार।